रोड रेज केस में पटियाला जेल में एक साल कैद की सजा काट रहे पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अपने बर्ताव से फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उनके साथ बैरक में बंद कैदियों ने कहा कि सिद्धू तू तड़ाक कर रहे हैं, इसकी शिकायत उन्होंने जेल प्रशासन को कर दी। वहीं सिद्धू का कहना है कि इन कैदियों ने उनके कार्ड से बिना बताए खरीदारी की है। हालांकि हालात को देखते हुए जेल प्रशासन ने सिद्धू के साथ बंद कैदियों की बैरक बदल दी है। सिद्धू के साथ 5 और कैदी उनके बैरक में बंद किए गए हैं। सिद्धू बैरक से ही जेल ऑफिस का काम करते हैं। सिद्धू की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। सिद्धू को अगर कोई सामान मंगवाना होता है तो वह साथ बंद दूसरे कैदियों से मंगवा लेते हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक सिद्धू का कहना है कि इन कैदियों ने उनके कार्ड से बिना बताए सामान खरीदा। उनकी कार्ड की लिमिट कम है, इसलिए उन्होंने इस पर एतराज़ जताया था। वहीं कैदियों का कहना है कि सिद्धू ने उनके साथ तू तड़ाक से बात की, जिनकी उन्होंने जेल अफसरों से शिकायत भी कर दी। इस विवाद के बाद जेल प्रशासन ने तुरंत सिद्धू के साथ बंद 3 कैदियों की बैरक बदल दी। अब उनके साथ 2 ही कैदी रह गए हैं। पटियाला जेल सुपरिटेंडेंट मंजीत सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ कैदियों की बैरक बदल दी गई है, हालांकि इससे ज़्यादा वह कुछ नहीं कह सकते। जेल नियमों के अनुसार सिद्धू के साथ कुछ कैदियों को रखा गया है। जुबान की वजह से सिद्धू कई बार विवादों में आ चुके हैं। वह हर बड़े छोटे को तू तड़ाक से ही बात करते हैं, जिसको लेकर सिद्धू अपने स्टाइल पर कायम रहे। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी न्यूज प्लस की टीम। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।